दोस्तों, अगर आप अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बी ओ वर्ड एप्लीकेशन से वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिए हैं और अप्लाई करने के बाद में अगर आप चाहें तो वर्चुअल डेबिट कार्ड का एक पिन नया जनरेट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप वर्चुअल डेबिट कार्ड का पिन को कैसे जनरेट कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं बी ओ वर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर दे रहा हूँ। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना लॉगिन पिन या तो बायोमेट्रिक्स इसमें लॉगिन हो जाइए। उसके बाद यहाँ पर आपको कार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जितने भी कार्ड आपके पास रहेंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा फिजिकल डेबिट कार्ड है यानी ATM कार्ड है और यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे वर्चुअल डेबिट कार्ड का लास्ट यहाँ पे नंबर भी आपको देखने को मिल गया है 0। यहाँ पे हमारे वर्चुअल डेबिट कार्ड का यहाँ पे नंबर शो हो रहा है। तो इसी वर्चुअल डेबिट कार्ड का मैं जो है एक नया पिन जनरेट करके आपको बताऊँगा। तो अगर मैं इस कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी वर्चुअल डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करने का ऑप्शन नहीं है। तो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग से आप जो है अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इंटरनेट बैंकिंग में वर्चुअल डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करने का कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ। आपको अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए आपको कोई ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसमें आपको टाइप करना है BOB इंटरनेट बैंकिंग। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया था तो यहाँ पर आ गया। मैं इसके ऊपर क्लिक कर उसके बाद यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे BOB वर्ड इंटरनेट बैंकिंग इंडिया इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग का यूजर ID फिल कर देना है। उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका यूजर आईडी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना साइनिंग पासवर्ड फिल कर देना है बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग का। उसके बाद एक कैप्चा जैसा लिखा उसी तरह सेम टू सेम कैप्चा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग में सक्सेसफुल लॉगिन हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड सर्विस इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेट रीसेट डेबिट कार्ड पिन इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां से आपको अपना कस्टमर आईडी को सेट कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर कार्ड सेलेक्ट यहां पे इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितना भी कार्ड रहेगा यहां पे शो हो जाएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था यहां पे मेरा वर्चुअल डेबिट कार्ड है, यहाँ पे हमारा जो है फिजिकल डेबिट कार्ड है यानी कि ATM कार्ड ही है और ये हमारा वर्चुअल डेबिट कार्ड है। तो मैं यहाँ पर अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करने वाला हूँ, तो मैं इसी का पिन जनरेट करूँगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपके वर्चुअल डेबिट कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर आपको यहाँ से सेट कर लेना है दोनों में। तो चलिए मैं सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं मंथ को सेट करूँगा और यहाँ से मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर एक्सपायरी मंथ ईयर सेट करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो मैं वेट करूँगा जब तक OTP नहीं आ जाता है। OTP जैसे आ गया है तो OTP को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं OTP को पेस्ट कर देता हूँ। OTP को पेस्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। सबमिट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब आपको एक पिन जनरेट करना है यानी कि नया पिन बनाना है और फिर वही दोबारा पिन रिटाइप करना है दोनों में। तो चलिए मैं यहाँ पे दोनों में पिन एक नया बना लेता हूँ 4 अंक का।
यहाँ पर दोनों में पिन बनाने के बाद में यहाँ पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड फिल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड को फिल कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड फिल कर दिया, उसके बाद यहाँ पर मैं सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैसेज भी आ गया है, पिन नंबर हैज़ बीन डेबिट कार्ड इस चेंज सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो है पिन जो है चेंज हो गया क्योंकि मैंने पहले ही बनाया था। तो अगर आप चाहें तो इसी तरह से एक नया पिन बना सकते हैं या तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड का। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग से अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड का पिन को एक नया बना सकते हैं या तो पिन को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथ शेयर कर दीजिए।